मोदी सरकार ने चीन पर फिर किया डिजिटल स्ट्राइक, 47 और चीनी ऐप को किया बैन। जी हां, आपको बता दें भारत ने चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें नरेंद्र मोदी सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 47 और चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है। पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन किया गया था। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसकी सूची जारी की जाएगी। इसके अलावा करीब 250 चीनी ऐप्स की एक सूची बनाई जा रही है जिनकी जांच की जानी है। इन पर यूजर्स की गोपनीयता को भंग करने का आरोप है। वहीं आपको बता दें इससे पहले भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसे ऐप शामिल थे। आईटीआई मंत्रालय ने कहा था कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं। तमाम लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए लगातार देखते रहे CDWAM News।